Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. माजी वडा को ये 136 से विधायक प्रताप शर्मा जी आइए जानते हैं इन्होंने ये जो दिव्यांग आई शिविर यहाँ के थाने लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र विचारे उनके अथक परिश्रम से आज यहाँ पे दिव्यांग के लिए एक शिविर आयोजित किया, जिस शिविर में दिव्यांगों को सर्टिफिकेट भी तुरंत दिया जाता है और साथ ही में जिनको व्हील चेयर चाहिए, जिनको लकड़ी चाहिए चलने के लिए, अंधे और जिनको दिखता नहीं है उन लोगों के लिए और जो जो चीजें चाहिए उन चीजों के चीजों का बंदोबस्त हमने यहाँ पे किया है और दिन भर ये शिविर चलता रहेगा और इन सभी लोगों को अगले दिन हम लोग ये सभी चीजें केंद्र शासन के माध्यम से देंगे। पहली बार थाने लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र विचारे के प्रयत्न से ही हो रहा है, तो उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीरा भाईदर के दिव्यांगों को उन्होंने ये सुविधा होगी। ये हमारे शिवसेना के सांसद राजेंद्र विचारे जी के माध्यम से आज यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेके अभी तक दिव्यांग सहाय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो अलग अलग तरह के दिव्यांग है, फिर वो मूक बधिर है, फिर वो पैर से अपंग है, हाथ से अपंग है, नेत्र से अपंग है, ऐसे सारे दिव्यांगों को सहायता शिविर यहाँ पर रखा गया है। और इस शिविर के माध्यम से हम लोग जिन लोगों ने अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बनाया है वो सर्टिफिकेट भी ऑन द स्पॉट यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की टीम है, पूरे सरकारी डॉक्टर भी उसके साथ तहसीलदार ऑफिस के लोग यहाँ पर बैठे थे, वो सर्टिफिकेट भी तुरंत दे रहे हैं। और जिनको आर्टिफिशियल हाथ या पैर की जरूरत है उनका यहाँ पे मोल माप लेकर ले रहे और जो सारे साहित्य हमको देना है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे सांसद राजेंद्र विचारे जी एक हीरा भाईदर केंद्र पूरे थाने जिला का ये जो साहित्य है उस साहित्य दिव्यांग साहित्य वाटर का एक बड़ा कार्यक्रम लगेगा। उस कार्यक्रम के माध्यम से आज जितने भी अभी तक 600 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो दिव्यांग है और उनको जो साहित्य वाटर का कार्यक्रम जल्द से जल्द राजेंद्र विचारे जी के माध्यम से आदरणीय हमारे आमदार और जिला के संपर्क प्रताप शर्मा जी के माध्यम से यहाँ पर वितरित किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग लोग हैं, स्पेशल बच्चे और बड़े भी बुजुर्ग वगैरह महिलाएं सबके लिए जो दिव्यांग शिविर किया है, उन बच्चों का डायरेक्ट यहाँ पे हैंडीकैप सर्टिफिकेट मिलता है, जो ये लोगों को यहाँ से थाने में सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और हर बुधवार को वहाँ पे 10 बजे से 6 बजे तक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये एक नई पहल की है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसा कैंप लगा है और उसमें सांसद जी राजेंद्र जी विचारे जी तो यहाँ पे एक बहुत सारी जो हैंडीकैप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी की व्हील चेयर वगैरह स्प्लेंट्स कैलिपर शूज जो मिल रहे हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचाने का उन्होंने नाप भी ले लिया और जल्दी से जल्दी पहुँचाने का वादा भी किया और बहुत ही यानी अच्छा यहाँ पर सिस्टमेटिक काम किया गया जो फॉर्म वगैरह और सभी सूचना जिस नगर सेवक उनके नगर सेवक और जितने भी वॉलेंटियर और कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनको सहायता करके अपने इनके काउंटर से सब मदद की है और बहुत सारे बच्चे जो घर से आ नहीं सकते थे और जो बेड रिडन थे नहीं मिल सकते उनको हमारे यहाँ से एम्बुलेंस लेके आई है और लेके भी जाएगी। अभी बहुत जनों का सर्टिफिकेट बन गया है और थोड़ा बहुत बाकी है उनका काम, वो तो थोड़ा सर्टिफिकेट बना के और चीजें अभी मिलने वाली है वो भी उनको मिल जाएगी। हमारे साथ है जो समाज के राजे सिंह जी आई जानते शिविर के बारे में आयोजन मेरा भाई जी आयोजन बहुत पहले होना चाहिए लेकिन आज
ये आयोजन इतना विराट रूप ले चुका है। 1500 से 2000 लोग आ गए हैं और सबको टाइम पे सर्टिफिकेट बाकी जो चीज़ें मिल रही हैं और जो यहाँ के पब्लिक का जो योगदान बाकी राजा बिचारे साहब और प्रताप चंद्र जी का जो यहाँ पे पूरा दिन उन्होंने दिया हुआ है और वो दिलो जान से जुटे हुए हैं। इस तरह का आयोजन मैं बोलता हूँ हर 6 महीने में होता है, एक क्राउड इतना नहीं होता। लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा जो आयोजन है जिससे लोगों का हाथ पैर का जिनका आँख का जिनका कान का जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको फटाफट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उनको बाकी चीज़ें जो उनके जीवन में जो हैंडीकैप के लिए हैंडीकैप जो है बाकी चाहिए हैं आन के लिए जो मशीन मिल रही है वो भी लग मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें राजन विचारी जी और प्रताप सरनाइक जी की जो सोच है जो शिवसेना की सोच है वो बहुत आगे है और ये इसी तरह से आगे करते रहेंगे और